श्री संकटमोचन हनुमान मंदिर हेड पोस्ट ऑफिस के सामने श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। इसमें आगरा दिल्ली के कलाकारों द्वारा श्री कृष्ण भगवान के ऊपर झांकियों के लीलाओं के ऊपर वर्णन किया जाएगा। इसमें मुख्य झांकी राम सेतु 60 मिनट लंबा बनाया जाएगा एवं हनुमान जी महाराज को डायमंड का चोला चलाया जाएगा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव 7 सितंबर को मनाया जाएगा। रात्रि 12 बजे श्री कृष्ण गोपाल भगवान का जन्म उत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। इसमें मिश्री माखन पंजीरी लड्डू गोपाल को भोग लगाया जाएगा। जी सर, प्राचीन समय में बिरोड़ा शहर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी संबंधित 2 ही प्रसिद्ध झांकियाँ होती आ रही थी। पहली बालाजी मंदिर बालाजी मार्केट, द्वितीय झांकी दूधाधारी कंपनी में होती थी, जिसको देखने के लिए हजारों की तादाद में लोग बिरोड़ा शहर के एवं आसपास के गाँव के आते थे। उसी क्रम में इस वर्ष भादवा कृष्णा अष्टमी गुरुवार तारीख 7/9/23 को श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर बालाजी मंदिर में अत्यंत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो मैं संपूर्ण बालाजी मार्केट को एवं मंदिर परिसर को आकर्षक विद्युत सज्जा से सुसज्जित किया जा रहा है एवं वृंदावन से आए कलाकारों द्वारा समस्त मंदिर परिसर में आकर्षक फूल बंगले एवं केवल श्री कृष्ण जन्माष्टमी की विषय वस्तु पर ही झांकियों का प्रदर्शन किया जाएगा, जो इस दिन सांस 5 बजे आरंभ हो जाएगी एवं इसी क्रम में रात्रि 10:30 से 12 बजे तक विद्वान 31 पंडितों द्वारा भगवान बालमुकुंद जी का पुरुषोक एवं गोपाल सहस्त्र नाम से 101 किलो दूध से दुग्धाभिषेक होगा। रात्रि 12 बजे जन्मोत्सव महाआरती गाजे बाजे ढोल ढमाके से की जाएगी एवं उपरांत भक्तों को प्रसाद वितरित किया जाएगा। श्रावण शुक्ला छोटी तीज से झूला महोत्सव प्रारंभ हुआ और ये जन्माष्टमी पर्यंत उत्सव चलता है। जन्माष्टमी के दूसरे दिन नंद महोत्सव मंदिर प्रांगण में मनाया जाता है, जिसमें बधाई का मटकी फोड़ और मलखम लीला होता है। ये परंपरा है वैसे तो बहुत वर्षों से निरंतर चली आ रही है, और इसमें और जो महाराज जी ने हमारे जो पूज्य गुरुदेव थे जब 1975 में यहाँ पर गति निश्चित हुए विराजमान हुए, तो उन्होंने इस उत्सव में और भी बहुत बढ़ोतरी की, जिसे मलखम का बधाई गान है। उत्सव साल में महोत्सव के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि जन्माष्टमी महोत्सव जो है इस मंदिर का सबसे प्रमुख उत्सव है। चल रही है वृंदावन से भी हमने कारीगर बुलाया झांकी बनाने के लिए, ठाकुर जी के श्रृंगार वगैरह वृंदावन से लेकर के आए, क्योंकि ठाकुर जी का जो श्रृंगार है वो वृंदावन ही मिलता है, तो वैसे पहले ऑर्डर दे करके बनवाना पड़ता है। सब तैयार ठाकुर जी के जन्मोत्सव की चल रही है।